वो लड़की कोई बेचारी बेचारी नहीं है। चुप, एकदम चुप। बहुत बोल दिया तूने ईशु, अब बस तू मेरी सुनेगा। उस लड़की के चरित्र पर उंगली उठाई है तूने, उसके वजूद पर हमला किया है तूने, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है तूने। अरे वो लड़की सभी हर मुश्किल का सामना करके, हर मुसीबत को पार करके वो यहाँ तक आई थी, मेरी सभी जिसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन आज उसने हार मान ली तेरी वजह से। हर लड़की के लिए उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर सबसे बड़ी चीज है। अरे जिस लड़की के हौसले की मैं मिसालें दिया करती थी, वो लड़की तो आज पूरी तरह से टूट गई तेरी तेरी जहर भरी बातों की वजह से। बस बहुत सुना लिया मेरे बेटे को, अब और एक शब्द नहीं है। मेरा बेटा जो कुछ भी करता है सही करता है। और कैसे मां बाप हो तुम दोनों, एक पराई लड़की के लिए अपने बेटे को कुछ भी सुना रहे हो? वो लड़की तो पराई है, लेकिन ये तो अपना है ना, और इससे अपनी गलती का एहसास दिलाना सिर्फ हमारा फर्ज नहीं, हमारा अधिकार भी है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसी औरत है अक्का साहब। एक औरत होकर आप खुद दूसरी औरत की इज्जत तक नहीं कर सकती। मेरी गैर मौजूदगी में आपने ये परवरिश की है मेरे बेटे की? और तूने जो सभी पे इल्जाम लगाया है, उसके वजह से वो बेचारी मासूम लड़की हमारे शहर को, हमारे कॉलेज को और पढ़ाई छोड़ के रामटेक वापस जा रही है। मासूम लड़की? आपकी वो मासूम लड़की ना एसीपी रानी के साथ जान पहचान बढ़ा रही थी ताकि वक्त आने पर उसको वो फायदा उठा सके, जैसा वो अभी आपका फायदा उठा रही है। एसीपी रानी के पास मैंने भेजा था सभी को ताकि उन गुंडों की पहचान हो सके और उन्हें सजा मिले, और तूने क्या किया? तूने उस पे इल्जाम लगाया कि वो अमीर और पावरफुल लोगों का फायदा उठाती है। किशन तुझे शर्म आनी चाहिए। इसे तो शरीफ और भोला बोल रहा है ना, उसका असली चेहरा उसका जीजा दिखा कर गया हमें। और वैसे भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उस घटिया आदमी ने दोबारा झूठ बोला और आप लोगों ने दोबारा उस पर विश्वास कर लिया। याद नहीं है आपको कि सभी के एडमिशन के वक्त भी उसने ऐसे ही किया था, तब मेरे सामने उसका झूठ पकड़ा गया था। आज भी वो आपके सामने आया, कुछ झूठ बोला और आप लोगों ने फिर से उसका विश्वास कर लिया और सभी को हॉस्टल में रूम देने से इनकार कर दिया। वो मेरा फैसला नहीं, तो पूरी कमेटी का फैसला था, वो सबने मिलकर फैसला लिया था। दादा रहने दीजिए, कॉलेज कमेटी किसके इशारों पर नाचती है ये सब जानते हैं।